ओपन गेट कर लिया है। और यहाँ पे एक रूम में दिखाता हूँ जो कि पूरा एकदम अभी खाली है। देखो, एक बेड ये हो गया, दो बेड ये हो गया, ठीक है। इसमें तकरीबन तीन तीन बेड आ जाएंगे ना भैया जी? अच्छा, इसमें दो आएंगे। इधर आपका ये किचन है, ठीक है। ये देखो, 1100 रुपये ना भैया जी? 3200 रुपये नहीं, जो कि इकॉम एक्सप्रेस है। हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इसरार, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों, जैसा आपको पता है, मैं आपको इस चैनल पर नौकरी के बारे में बताता हूं। तो अभी गए थे हम, फैक्ट्री देखा, काम देखा, सब चीज़ देखा, सैलरी वगैरह को लेकर, डॉक्यूमेंट क्या क्या क्वालिफिकेशन के लिए ले रहे हैं। और यहाँ पे कुछ हमारे भाई हैं जो उस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, है ना, वर्क कर रहे हैं, और कुछ ऐसे जो कर चुके हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि उसमें क्या वर्क है, कैसे वर्क होता है, काम कैसे होता है, जिससे कि जो हमारे भाई आने वाले हैं, जो आना चाहते हैं, उनके दिल को तसल्ली मिल पाए कि भैया हम जाएंगे तो हमारे को यहाँ पे काम मिलेगा। भाई, कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो कि एजुकेशन बंदे को भी हेल्पर का काम करवाती हैं, है ना। तो यहाँ पे हम भाइयों से बातचीत करेंगे। ये इन भाइयों का रूम है, थोड़ा सा रूम दिखा दें। ये देखो, ये भैया का रूम है, ठीक है, तक तख्त वगैरह लगा रखा है। अब आइए आगे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। पहले पांडे जी से बातचीत लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर सौरभ पांडे है। कहाँ के रहने वाले सर? से रहने वाला हूँ जी। अच्छा, कानपुर के रहने वाले। तो कितने दिन से यहाँ बिलासपुर में रह रहे हो? मैं बिलासपुर में तो अभी आया हूँ, फिलहाल नोएडा में और ज़रा साइड भी रह चुका हूँ। हरियाणा पंजाब भी मैं विजिट करी मैंने। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? क्वालिफिकेशन मेरी 12th है, और बाकी UPSC की PCSJ की तैयारी भी कर रहा हूँ। अच्छा, क्या एक्सपीरियंस रहा इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर, कंपनी को? इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर मैंने नोएडा भी विजिट किया और भी जगह गया, मगर जो मेरे को बिलासपुर की लोकेशन और माहौल जो बिलासपुर का समझ में आया जॉब के सिलसिले से, वो बहुत अच्छा समझ में आया। और जिस तरह मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, वो देख रहा हूँ कि जिस मालिक में उनका नेचर बहुत वाइस बहुत अच्छे हैं, लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप उनको बता देते हैं, तो उसको भी हैंडल करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे तमाम कंपनियाँ ऐसी हैं जिसमें आप वर्क कर सकते हैं। जी, काम का अगर बात कीजिए तो ई काम में पैकिंग स्कैनिंग का काम है, जो कि हर बंदे के ऊपर सूटेबल है, हर बंदा कर सकता है। सर, पैकिंग क्या है, स्कैनिंग क्या है, थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए, पैकिंग में स्कैनिंग में अंतर ही होता है। जो पैकिंग होता है, जैसे कोई माल जो डिलीवरी में लगा होता है उसको उठा के आप ड्रायर में रखते हैं, वो पैकिंग हो गई। उसके बाद एक आपको डिवाइस दी जाती है, डिवाइस को आपको स्कैन करना होता है, प्रोडक्ट को स्कैन करना होता है। स्कैन प्रोडक्ट जो स्कैन करते हैं, वही प्रोडक्ट में बिग बाजार स्लॉट में जाता है, उसी प्रोडक्ट को स्कैन करने से पता चलता है कि हमारे यहाँ से कितना प्रोडक्ट बिक चुका है और कितना प्रोडक्ट जा सका है। क्योंकि ऐसे तो पता लगा नहीं सकते हैं, कोई माल चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, तो नहीं पता लगा सकते ना कि कौन सा माल कैसे चोरी हुआ। उसी प्रोडक्ट और स्कैन की वजह से ही डाटा हमारे पास होता है, और उस डाटा से ही अपडेट करते हैं कि कैसे क्या करना है हमें। तो आप कब से, कितने महीने आप काम किए थे? अभी तो मैं फिलहाल 2 महीने से यहाँ वर्क कर रहा हूँ, और मेरे को कोई दिक्कत इशू नहीं आया है, और आगे भी मैं कर रहा हूँ, इस समय कोई दिक्कत इशू नहीं है। और कितने घंटे वर्क करना पड़ता है? 8 घंटे का वर्क है, 1 घंटे का लंच मिलता है, टोटल 9 घंटे। 9 घंटे तो 8 घंटे की जॉब करने के बाद पहले महीने की, पर महीने की सैलरी कितनी आपको मिल जाती है? पर महीने की मैंने पिछले महीने तो 13,000 रुपये उठाई थी। हाँ, नाइट का मेरे क्योंकि था, तो नाइट का 13,000 रुपये, PFSI काट के 14,000 रुपये बनती है नाइट का। हाँ जी, 13,500 रुपये, PFSI काट के 14,000 रुपये। ऐसे कैसे होगा यार, 13,000 रुपये टोटल, और PFSI काट के टोटल 14,000 पड़ती है। हाँ, बीच में छुट्टी हो गई। हाँ, तो अभी कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे काम कर रहे बंदो, कैसा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लोगों का माहौल अच्छा है, वर्करों का भी माहौल अच्छा है। HR वगैरह भी जो हम लोग अपनी बार कर रहे हैं, HR सर भी जो हैं वो भी हम लोग मैनेज करते हैं, और सुपरवाइजरी को भी हम लोग साथ मैनेज करके हम लोगों के साथ काम करते हैं। प्रेशराइज काम तो प्रेशराइज नहीं, कुछ नहीं है, अपने ऊपर पे है, आपको वर्क करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात सर ये होती है कि आप कोई काम करने जाते हैं तो आपके ऊपर, अपने ऊपर खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि बहुत से बंदे होते हैं उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो ये सोचते हैं कि मैं करूं, 2 दिन जाते हैं, उसके बाद कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना चाहिए। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि मैं कर लूँगा ये काम। जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप कहीं भी काम नहीं कर पाएंगे सर। अभी हमने कवर किया जो कि ईकॉम एक्सप्रेस कंपनी जो है ऐसे, तो अभी हम गए थे वहाँ पे, माहौल वगैरह देख के आया, रूम वगैरह देख के आया। तो अभी आप जिस रूम में रह रहे हो, रूम का रेंट कितना है? जी, रूम का रेंट तो मेरा 2500 रुपये है, बाकी हम लोग 4-5 बंदे रह रहे हैं तो अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 2500 रुपये में बढ़िया, बढ़िया बेड लगे हुए मिल, बढ़िया बेड है, चद्दर दर बिछी हुई है उस पर, कोई दिक्कत। पंखे का पैसा, लाइट का पैसा, बिजली लाइट पंखे का कोई पैसा नहीं है, सोलर 24 घंटे लाइट की सुविधा, सोलर सिस्टम भी है। हाँ, 24 घंटे लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है। जो बाहर से कैंडिडेट आए हैं वो काम कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पर आराम से आएँ, आराम से सुविधा है, अच्छे से रहें, मन लगा के काम करें, लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है किसी प्रकार की। चलिए भैया से बातचीत करके अच्छा लगा। पांडे जी, भैया आप भी आ जाओ, थोड़ा सा आपसे बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा सा आप साथ में रहो ना, थोड़ा
हाँ, तो क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। आप कहाँ के रहने वाले दीपक जी? यूपी प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के रहने वाले हो? अच्छा जी, भदोही के पास है प्रतापगढ़, है ना? हम भी वहीं के ही है ना, तो अच्छा लग रहा है। तो अच्छा ये बताओ, कब से यहाँ पे हो बिलासपुर में, गुड़गांव के पास? गुड़गांव के पास तो मैं 2-3 महीने से रह रहा हूँ, उसके पहले बावल करता था, अब यहाँ बिलासपुर कर रहा हूँ 1 महीने से। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? बीए है। बीए है, अभी फ्रेशर ही हो या काम कर चुके हैं? काम कर चुके हैं पहले। अच्छा अच्छा, किस लाइन में कर रहे थे? मैं 4-व्हीलर लाइन में करता था। फोर व्हीलर में क्या करना होता था? गाड़ियों क्वालिटी का काम करता था मैं। अच्छा, ऑटोमोबाइल कंपनी में जी। एज कितनी है आपकी? मेरी 21 साल है। कैसे पता चला कि कॉम एक्सप्रेस में अभी वैकेंसी हायरिंग चल रही है? मेरे एक सर थे, उन्होंने मेरे को बताया था। अच्छा, तो आपने ज्वाइनिंग के लिए लिया जी? ज्वाइनिंग के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया था? मार्कशीट की थी, आधार, पैन कार्ड और हाँ वही नॉर्मली, आधार, पैन, बैंक के पासबुक, अपना मार्कशीट है ना बस। इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी? इंटरव्यू हुआ था या डायरेक्ट ज्वाइनिंग हुई? ना, इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में क्या चीज़ें पूछी गई थी? जो पढ़ाई किया है वो पूछा गया था, पहले काम कहाँ करते हो वो पूछा गया था। आपने बता दिया था जी। अभी जहाँ आप रह रहे हो कितना है रेंट का भाड़ा? यहाँ 2 बंदे का 2000 रुपये लेते हैं। 2 बंदे का 2000, 1 बंदे का 1000? ना, 2000 एक भी बंदे का है और 2 बंदे का भी 2000। तो अच्छा, मैं रूम का सही है? हाँ, मतलब ये है कि 1 रूम का 2000 रुपये जी, चाहे 2 बंदे रहो चाहे 1 बंदे रहो, 2000 रुपये रूम का जी। तो 2-3 बंदे रहे तो आराम है, सेफ्टी है ना। तो आप कितने बंदे रह रहे? हम 2 बंदे रहते हैं। आप 2 बंदे रहो? क्या वर्क क्या है उसमें आपका ईकॉम एक्सप्रेस में? मैं स्कैनिंग का काम करता हूँ। स्कैनिंग मतलब क्या? मैं प्रोडक्ट पहले उठा के उसको स्कैन करता हूँ, फिर उसको ला के लोकेशन पे छोड़ देता हूँ। अच्छा। इतना ही काम है। उसका पैकिंग कोई और करेगा? पैकिंग कोई और करता है। कितने घंटे वर्क करना पड़ता है सर जी? 8 घंटे करना पड़ता है हमको, टोटल 8 घंटे, है ना। 8 घंटे के बाद जब सैलरी आपको मिलती है, कितनी मिलती है महीने की? 15,000 रुपये मिलती है हमारी। 15,000 मिल जाती है? क्या ओटी वगैरह लगता है क्या संडे वगैरह? ना, ओटी ना लगता है। तब कैसे 15 में करते हैं ना? अच्छा, नाइट में करते हैं, तो उसमें ज़्यादा अलाउंस होता है ना जी। तो अभी कैसा एक्सपीरियंस, जो बाहर से हमारे कैंडिडेट आए हैं, तो वो जो बाहर से हमारे कैंडिडेट आएंगे तो वो क्या जॉब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रेशराइज काम तो नहीं है, जैसे नोएडा बाकी से कंपनियों में क्या होता है कि एचआर द्वारा, मैनेजर द्वारा या सुपरवाइजर द्वारा प्रेशर दिया जाता है, तो ऐसा कुछ तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है काम यहाँ। टारगेट तो नहीं दिया जाता इतने आपको स्कैन करनी, इतनी पैकिंग करनी, इतना डोल? ना ना, कोई टारगेट ना रहता। मेल फीमेल सभी लोग वर्क कर रहे हैं? सब कर रहे हैं। तो अभी हमने हम गए तो वहाँ पे कवर किया, हमें काफ़ी अच्छी लगी और हमने रूम को भी कवर किया। अच्छा, यहाँ के जो रूम मालिक हैं कोई ऐसा प्रेशराइज तो नहीं करते रेंट को लेके? मैं टाइम टू टाइम आप दे देते हो जी? मकान मालिक बहुत अच्छे हैं ना? अच्छे हैं एकदम। अभी मकान मालिक से भी बातचीत करते हैं, जैसा कि भाई मैं दिखा दूँ यहाँ पे हमारे सभी भाइयों से बातचीत हो गई। एक हमारे सर हैं, ये ऐसे देखे ऑनर हैं यहाँ के, हैं बड़े साहब हैं। साहब स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर। क्या नाम है सर आपका? अमरदीप। अमरदीप जी, आपकी कितनी बिल्डिंग है सर इस एरिया में? 4। 4 बिल्डिंग है। स्टार्टिंग कमरे की जो रेंट है वो कितने से है? 2000-2500। सब कमरे में बेड लगी होती है? सब बेड लगी होती है। मतलब जो कैंडिडेट बाहर से आते हैं यहाँ काम करने के लिए तो वो आ सकते हैं, काम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आए फिर उनको रूम ना मिले फिर उनको वापस? नहीं नहीं, पूरी सेफ्टी मिलेगी, सब सामान आपको, जूता चप्पल कच्छा बैन बर्तन बुर्तन गैस घूस वगैरह सब चीज़ मिलती है। अच्छा, सब कुछ। अच्छा, लाइट का पैसा करते हो? लाइट का बिल लेते हो? लाइट बिल का कोई पैसा नहीं, सब फ्री है। सोलर सिस्टम का? हाँ सब सोलर सिस्टम लगा रखा है, बिल्कुल फ्री है, 24 घंटे लाइट है। जो 2000 का जो रूम बना रहे हो, 2000 रूम वाले में कितने बंदे रह सकते हैं? 2002 रहेंगे, 3 बंदे 2500 रुपये हैं, 4 बंदे 3200 रुपये हैं। अच्छा अच्छा, मतलब कितना भी कम हो एक बंदे का 1000 रुपये 800 रुपये पड़ेगा? हाँ 1800 रुपये पड़ेगा, है ना। हाँ जी। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट आना चाहते हैं आ सकते हैं, रूम ले सकते? हाँ बिल्कुल आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। तो पैसे पहले स्टार्टिंग में लेते हो या तो महीने पूछ देना पड़ता है? कितना एक बंद पूरा नहीं तो आप तो देना ही पड़ता है, मतलब 800 रुपये 400 1000 रुपये तो 500। हाँ जी, ये सिस्टम। हाँ, तो भैया से बातचीत करके अच्छा लग रहा है। जैसे कि अभी मैं दिखा दूँ, अभी मैं बिल्डिंग के ठीक सामने ही हूँ और इन भाइयों से बातचीत कर लिया और हमारी ये जो ऊपर की छत पे और बगल में भी एक बिल्डिंग है ना। आज भाई सर रूम को लेके मैं अगर कहूँ तो यहाँ पे काफ़ी सस्ता और अच्छा भी है। देखो ये देखो, पूरी पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, टाइल्स लगी हुई है, ठीक है। बेड की सुविधा है, लाइट वाइट सुविधा सभी कुछ इसमें है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और जैसे कि मैं अभी कार हमारी ये रही और कंपनी जो है, देखो चारों तरफ कंपनी ही कंपनी है भाई, चारों तरफ कंपनी ही कंपनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। हम नोएडा से इस समय बिलासपुर में हैं, बिलासपुर गुड़गांव मानेश्वर साइड है, ठीक है। सतीश भाई वो रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई। सतीश भाई थोड़ी बातचीत कर लेंगे यार। सतीश भाई अभी हमने कंपनी कवर कर लिया, अभी हमने कंपनी को कवर कर लिया, तो कंपनी का माहौल इन्वायरमेंट कैसा रहा? बहुत बढ़िया है और काफ़ी हमको लगता है जो हमारा मेहनत कर रहे हैं सुबह से वो रंग लाएगी। अब उन बच्चों को हम रोज़गार दिला सकते हैं जो दूर दूर से 10वीं 12वीं है, कोशिश करेंगे उनको भी जो 8वीं 9वीं है थोड़ा सा अपने, हालांकि वो अलाउड नहीं है पर फिर भी कोशिश करेंगे सबके लिए। रूम आपने देखा, रूम देखकर कैसा लगा? हर रूम में बेड है, लाइट की सुविधा है, लाइट का पैसा नहीं है?
देखिए यही चीज़ हम आपसे पहले हम कहते थे, पहले हम क्या करते थे, जो भी कंपनी में जाते थे जिससे भी हम हायरिंग देते थे तो पहले उनसे मिलते थे, वो हम ऑब्वियसली मिल चुके हैं, कर चुके हैं। अब हमारे पास दिक्कत आ रही थी फिर रहने की, जो भाई बंधु कोई बिहार से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई वहाँ से भी है, तो अब यही समस्या हमको सॉल्व करनी थी रहने की, तो सबसे पहले हमने ये सॉल्व हो चुकी है। और बाकी कल मिलते हैं, कल की वीडियो में बताते हैं क्या वैकेंसी, क्या सैलरी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद है, वीडियो पसंद है लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।